नमस्कार, हूँ आदर्श छु। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। क्लास 3, सब्जेक्ट मैथ्स, रिवीजन टाइम। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज मैं आपको वेलकम करती हूँ हमारे रिवीजन क्लास में, रिवीजन वर्कशीट 2। आई होप आप सब ने रिवीजन वर्कशीट 1 जो है वो कंप्लीट कर ली है। नाउ हियर टुडे वी विल सी रिवीजन वर्कशीट 2। तो रिवीजन वर्कशीट 1 में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जो सीखे, लर्न किए, राइट, वो आप सब ने समझ लिए। आज हम रिवीजन वर्कशीट 2 करने वाले हैं। तो रिवीजन क्यों कर रहे हैं हम ये सब? हम मैं आपको रिवीजन वर्कशीट सेंड कर रही हूँ, वीडियो भेज रही हूँ, आंसर भेज रही हूँ। क्यों भेज रही हूँ? क्योंकि जब आप रिवीजन करते हो तब क्या होता है कि जब हम चैप्टर लर्न करते हैं, राइट, तो उसमें तो सब मेथड्स आती है। आप सबको सब मेथड समझनी पड़ती है। पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट करना पड़ता है, क्लियर करना पड़ता है, सब मेथड समझनी होती है, राइट। तो अब यहाँ पे रिवीजन वर्कशीट में मैंने मेन पॉइंट्स जो होते हैं वो कवर किए। इससे क्या होगा कि आप जो थोड़े पॉइंट्स याद रखो उससे आपका रिवीजन हो जाएगा, आप रिफ्रेश हो जाओगे, सब मेथड आपको याद आ जाएगी और आप इजीली एग्जाम में ये पॉइंट्स से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इजीली राइट कर पाओगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने मेन पॉइंट्स कवर किए। इससे आपको ये पूरा चैप्टर जो है वो इजीली समझ में आ जाएगा, राइट। सो फर्स्ट वन यहाँ पे दिया है एक्सटेंड द पैटर्न। तो ये वर्कशीट में मैंने पैटर्न का जो चैप्टर है प्ले विथ पैटर्न, चैप्टर नंबर 10, वो मैंने इंक्लूड किया है। क्यों किया है? यहाँ पे मैंने 3 और 4 क्वेश्चन ऐसे रखे हैं जो हमारे हमें चैप्टर 10 में आए हुए हैं। मेनली कॉन्सेप्ट यहाँ पे पैटर्न का है। पैटर्न मीन्स कि आपको जो पैटर्न दी होती है, राइट, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, उसको इसके रिलेटेड पैटर्न दी होती है, वो हमें देखनी होती है, ऑब्जर्वेशन करनी होती है, फिर उसके हिसाब से हमें वो पैटर्न को आगे बढ़ानी पड़ती है, राइट। तो पैटर्न जो है वो हमें वो ऑब्जर्व करनी है। कैसे करनी है कि लाइक जो पैटर्न जो स्टार्टिंग पॉइंट है, बीच में है, मिसिंग है, वो फिल करनी होती है, पैटर्न को कंप्लीट करनी होती है, एक्सटेंड करनी होती है। तो फर्स्ट थिंग ये देखनी है कि पैटर्न में जो शेप दिए है, डिजाइन दी है, डिजिट है, अल्फाबेट है, वो रिपीट हो रहे हैं कि ग्रो हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं कि वही रोटेट हो रहे हैं, वो हम चेक करेंगे। नंबर्स या अल्फाबेट हो तो देखेंगे कि कितने नंबर्स कीप हो रहे हैं, कितने नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, क्या कोई टेबल है, ये सब हम चेक करेंगे। बाद में हम ये पैटर्न जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमने प्ले विथ पैटर्न में कॉन्सेप्ट देखा था सीक्रेट मैसेजेस। आपको कोड वर्ड दिए होते हैं, वो कोड वर्ड से हमें मेन वर्ड बाहर निकाल के मैसेज क्या है वो फाइंड आउट करना होता है। तो ये सब मेन बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो हमने सीखे थे। तो अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है रिवीजन वर्कशीट में एक्सटेंड द पैटर्न, पैटर्न को आगे बढ़ाना है। सो फर्स्ट वन हम यहाँ पे यही देखेंगे, डिजिट जो है, अल्फाबेट जो है वो ग्रो हो रहे हैं, टेबल के रिलेटेड है, एडिशन हो रहे हैं, रिपीटेड के वही रिपीट हो रहे, रोटेट हो रहे, वही नंबर वो चेक करें। सो फर्स्ट वन हियर 25, 30 एंड 35। तो 25 से 30 तक जाए तो 5 नंबर स्कीप होते हैं, फिर 30 से 35 तक जाए तो अगेन 5 नंबर स्कीप होते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगेन 35 से 5 नंबर स्कीप करेंगे तो आंसर होगा 40, 40। देन नेक्स्ट 42 कहाँ तक जाए 5 नंबर स्कीप करके? 45। देन नेक्स्ट 45 से अगेन 5 नंबर स्कीप करेंगे 50 से अगेन 5 नंबर स्कीप करें 55। नाउ हियर नेक्स्ट सेकेंड वन 60
यहाँ पे ये जो नंबर है वो डिक्रीज हो रहे, कम हो रहे हैं। 64 से 56, 56 टू 48, 40 टू 48। तो यहाँ से हम रिवाइज करके देखे तो यहाँ पे 8 नंबर स्किप हो रहे हैं, 48 टू 56, अगेन 8। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 का जो गैप बन रहा है वो ही देखेंगे। अब 40 में से यहाँ पे 8 माइनस करेंगे, तो 8 माइनस करिए 40 में से, सो हियर आंसर 32। यहाँ पे टेबल में देख सकते हैं, लाइक 8 का टेबल है वो भी हम लो वे में भी हम यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट 22, 23, 34, then next 35, 36, 37, so here 37, then next the fourth one 66, it means के यहाँ पे 1 जो है वो एज इट इज है, तो यहाँ पे 1 एज इट इज। देन नेक्स्ट टेंथ में 4 to 5, 5 to 6, तो 6 to 7, 7 to 8, एंड 8 to 9, ये हमारे पैटर्न जो है वो कंप्लीट हो गए। देन नेक्स्ट ईयर फिफ्थ वन 0 to 1, 1 to 1, 1 to, फिर 2 पे 2 to 3, 3 to 5, 5 to 8। तो यहाँ पे ये जो गैप है वो तो इक्वल भी नहीं है, स्टार्टिंग में इक्वल दिखा रहे हैं, फिर नंबर चेंज हो रहे हैं। तो क्या कर सकते हैं, हम एडिशन करके देखेंगे, बिकॉज ये नंबर जो है वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। डिक्रीज होते तो माइनस करते, कम होते तो माइनस करते, अभी यहाँ पे इंक्रीज हो रहे, दैट्स व्हाई हियर वी डू एडिशन। डिजिट का हम एडिशन करके चेक करते हैं, 0 + 1, 1, 0 1 1 + 1 2, तो यहाँ पे 2 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13, 13 + 8 21, 21 में एड करेंगे 13 + 21 34। यहाँ पे ये जो नंबर है उसमें आगे वाला नंबर जो है वो एड हो रहा है, 0 1 1, 0 + 1 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13, 13 + 8 21, 21 + 13 आंसर 34। अगर आगे बढ़ना होता तो 34 में 21 ऐड करते, ऐसे करके हम पैटर्न आगे बढ़ाते। देन नेक्स्ट ईयर 10, 20, 30, 10, 10, 40, 50 and 60. Now next L M N O P and Q. Then next 1, 3, 5, 7. One number skip ho rahe hai. 9, 11, and 13. Now next alphabet A B C D E F G. Two times write karte because aage ki pattern hai usme 2 times. Then next here 8.
यहाँ पे आर एंड आर से पहले आया क्यू, दैट्स राइट, क्यू आर एस टी यू वी, यहाँ पे यहाँ पे पैटर्न देन नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन वन में जो एक पैटर्न थी वो आगे बढ़ानी थी, एक्सटेंड करनी थी, वो हमने करी। बेसिक कॉन्सेप्ट जो था वो नंबर्स और अल्फाबेट के रिलेटेड था, एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन वो भी यहाँ पे नंबर्स कीप हो रहे थे वो हमने ऑब्जर्व किए और ये पैटर्न को कंप्लीट किया। नाउ हियर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, लुक एट द पैटर्न इन ईच रो, सर्कल द पिक्चर दैट कंटिन्यूस द पैटर्न। अब यहाँ पे हमने ये पूरे जो पैटर्न है वो शेप्स के बेस्ट पर दिए, शेप्स जो है वो हमें ऑब्जर्व करने हैं और पैटर्न जो है उसका इनकम्प्लीट है, तो उसको कम्प्लीट करें तो वो वहां पे कौन सा शेप जो है वो आएगा उसके ऊपर आपको सर्कल करना है। सो फर्स्ट वन सर्कल ट्राइंगल स्क्वायर, सर्कल ट्राइंगल स्क्वायर, अगेन यहाँ पे सर्कल ट्राइंगल स्क्वायर, सर्कल ट्राइंगल स्क्वायर, तो अगेन हम यहाँ पे आए तो सर्कल होगा, नेक्स्ट आगे बैठे तो सर्कल के ऊपर सर्कल। देन नेक्स्ट अपसाइड डाउन साइड साइड, अपसाइड डाउन साइड साइड, तो अगेन हम यहाँ पे देखें तो एरो जो है वो अपसाइड आएगा, तो पैटर्न फिर से अपसाइड एरो से आगे बढ़ेगी, फिर डाउन साइड डन। देन नेक्स्ट स्टार डायमंड शेप सर्कल, स्टार डायमंड शेप सर्कल, अब यहाँ पे अगेन स्टार फिर डायमंड शेप एंड सर्कल। देन नेक्स्ट हियर अगेन डायमंड शेप स्क्वायर सर्कल, डायमंड शेप स्क्वायर सर्कल, तो अगेन यहाँ पे डायमंड। देन नेक्स्ट स्क्वायर फिर प्लस रेक्टेंगल, अगेन स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल, तो अगेन यहाँ पे क्या आएगा स्क्वायर, तो यहाँ पे इसे ये पैटर्न जो है वो हमने कंप्लीट कर ली। और नेक्स्ट पैटर्न क्या आएगा, नेक्स्ट शेप क्या आएगा वो आइडेंटिफाई किया एंड सर्कल किया यहाँ पे ये पैटर्न। सो हियर वी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर टू, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थ्री, कंटिन्यू द पैटर्न्स बाय ड्राइंग द शेप दैट कम नेक्स्ट। अब यहाँ पे हमें ये पैटर्न जो है वो कंटिन्यू करनी है, ये शेप को यूज करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम देखें तो पैटर्न जो है वो फर्स्ट में यहाँ पे टू स्क्वायर फिर ओवल, टू स्क्वायर ओवल, तो बेसिक पैटर्न हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रही है इसी के टू फुल सर्कल को बाद में ओवल करना है, तो फिर यहाँ पे आपको वन सर्कल लेना है, तो अगेन हम सेकेंड वाला सर्कल करेंगे और देन ओवल, ऐसे करके पैटर्न कंप्लीट करेंगे। आगे आपको यहाँ पे ब्लैंक दी हो तो अगेन टू सर्कल एंड ओवल। देन नेक्स्ट ट्राइंगल टू स्क्वायर, ट्राइंगल टू स्क्वायर, तो अगेन यहाँ पे ट्राइंगल करेंगे देन टू स्क्वायर करेंगे, अगेन ट्राइंगल टू स्क्वायर, देन नेक्स्ट थर्ड वन डायमंड शेप टू स्क्वायर, डायमंड शेप टू स्क्वायर, डायमंड शेप सॉरी डायमंड शेप टू सर्कल, डायमंड शेप टू सर्कल, डायमंड शेप वन सर्कल एंड अगेन हियर टू सेकेंड सर्कल, देन नेक्स्ट अगेन हम यहाँ पे से डायमंड शेप करें टू सर्कल करें अगेन ये शेप, तो ये हो गई हमारी रिपीटेड कंटिन्यूअस पैटर्न, ये पैटर्न जो है वो रिपीट हो रही है, इंक्रीज नहीं हो रही है, ये पैटर्न रिपीट हो रही है, एक ही पैटर्न जो है वो कंटिन्यूअस यहाँ पे इसे हम रिपीटेड पैटर्न भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट थी कंप्लीट की, देन नेक्स्ट फोर्थ वन
क्वेश्चन 1, 2 and 3 आई होप यू ऑल अंडरस्टूड. नाउ वी विल कंटिन्यू इन अवर नेक्स्ट वीडियो. जॉइनिंग अस.